हथनी कुंड बैराज, उसकी लॉक्सीट आप चेक कीजिए, वो लॉक्सीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो, किसी भी तरीके से दिल्ली को बाढ़ में डुबाओ, और वो काम हुआ। कल जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सवाल को उठाया, एक दो दिन से जब इसकी चर्चा तेज हुई, उसके पहले सौरभ भारद्वाज जी ने, सोमनाथ भारती जी ने इस मामले को उठाया कि भाई किस तरीके से एक ही तरफ सारा पानी छोड़ा जा रहा है, तो आनंद फानन में 13 तारीख को पहले वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया और फिर 14 तारीख को ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ कुतर्क लेके सामने आए, कहने लगे साहब जो नदियां होती हैं वहां पानी छोड़ा जाता है, केनाल में तो सिर्फ सिंचाई का पानी छोड़ा जाता है, नहरें तो कमजोर होती हैं, उसमें पानी कैसे छोड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा भाई अगर ये और सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, उनका उनकी गाइडलाइन है, उसके आधार पर ही हम पानी छोड़ते हैं, ये तमाम तर्क कल से दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये कैसी बात संजय सिंह जी कर रहे हैं, कैसी बात आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। अगर भाजपाइयों की बात सच है तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर नहरें कमजोर थीं, अगर पानी तुम नहीं छोड़ सकते थे, तो आम आदमी पार्टी के ये मुद्दा उठाने के बाद 13 तारीख को नहर मजबूत हो गई, 14 तारीख को ईस्टर्न कैनाल मजबूत हो गया और 13 तारीख को वेस्टर्न कैनाल मजबूत हो गया। जब हम लोगों ने यह मुद्दा बनाया तब उन्हीं नहरों में आप पानी छोड़ रहे हैं।